नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में इस टाटा आईपीएल का दूसरा मुकाबला खेले जाने वाला है, और अगर आप भी इस वाले मुकाबले की मेगा ग्रैंड लीग की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई फ्लॉप जा सकते हैं, और कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कि भाई सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और इन सभी खिलाड़ियों में से हमारे लिए बेस्ट सीवीसी का ऑप्शन कौन सा खिलाड़ी होने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूँ कि इस पिच की रिपोर्ट क्या है और इस वाले पिच के ऊपर कौन से बॉलर को अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया है कि भाई कैसे आप एक रुपए में ग्रैंड लीग खेल सकते हो, और वो मौका अगर आपने मिस कर दिया है तो भाई टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ उससे भी बड़ा ऑफर, क्योंकि इस बार एक नहीं दो कॉन्टेस्ट खेल सकते हो वो भी एक रुपए में, यानी कि डबल धमाका ऑफर। तो ये ऑफर आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, और इन दोनों टीमों के बीच में मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड बताने वाला हूँ, और इन दोनों टीमों के बीच में मैं आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 भी बताने वाला हूँ जो कि भाई आपको काफी अच्छी हेल्प भी करेगी ग्रैंड लीग टीम बनाने में, और इन दोनों टीमों के 6-6 खिलाड़ी मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो कि भाई पिछले साल के टाटा आईपीएल के अंदर काफी जबरदस्त रन बनाए थे और काफी अच्छी विकेटें निकाली थी, ताकि यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये जो खिलाड़ी है ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इनको आप इजीली अपनी ग्रैंड लीग की टीमों के अंदर भी लेके चल सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको इसी एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और लाइक का टारगेट ओनली फॉर 3000 लाइक का है, और मुझे उम्मीद है आप सभी से 3000 लाइक तो पूरा करवा ही दोगे। तो भाई जिसने भी अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो भाई फटाफट से लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए फिर इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड बता देता हूं। तो पिछले 5 साल का अगर इनका T20 का डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखा जाए दोनों टीमों के बीच में, तो भाई 10 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, जिनमें से 3 मुकाबले जीते हैं PBKS यानी पंजाब किंग्स ने, और 6 मुकाबले जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि भाई हेड टू हेड जो रिकॉर्ड है वो दिल्ली कैपिटल्स का भी काफी जबरदस्त है। बाकी वेन्यू की बात की जाए तो महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुलानपुर में ये मुकाबला खेले जाएगा, और इस पिच की बात की जाए तो भाई पिच जो है वो पूरा पूरा बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यानी कि यहाँ पे बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों को काफी अच्छी मदद मिलती है, और यहाँ पे बैट्समैन भी काफी जबरदस्त रन बनाते हुए भी आपको नजर आते हैं। बाकी गेंदबाज जो यहाँ पे इंपोर्टेंट होता है वो यहाँ पे तेज गेंदबाज होता है, और तेज गेंदबाज यहाँ पे काफी अच्छी विकेटें भी चटकाता है। बाकी वेदर कंडीशन की बात की जाए तो भाई मौसम क्लियर होने वाला है, कोई भी बारिश वगैरह आने का चांसेस यहाँ पे नहीं होगा, आराम से आप पूरे मैच को भी एंजॉय कर पाओगे। बाकी रिसेंट के 5 T20 मुकाबलों की बात की जाए इस वाले वेन्यू के ऊपर, तो यहाँ पे एवरेज जो रन बना है वो यहाँ पे 152 के आसपास बना है, और टोटल जो विकेटें निकली है वो 13 विकेटें निकली है, जिनमें से 9 विकेट निकाली है तेज गेंदबाज ने और 4 विकेट यहाँ पे स्पिनर के नाम आई है। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि भाई तेज गेंदबाज यहाँ पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और तेज गेंदबाज काफी अच्छी विकेटें भी चटकाता है। बाकी दोनों टीमों की अगर रिसेंट के मुकाबलों की बात की जाए और इनके 5-5 मुकाबले देखे जाए और इनकी फॉर्म देखी जाए, तो भाई पंजाब किंग्स ने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले हारे हैं और केवल एक मुकाबला जीता है, और दिल्ली कैपिटल्स की बात की जाए तो भाई 5 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले इन्होंने भी हारे हैं। बाकी इस वाले वेन्यू के ऊपर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखा जाए तो भाई 172 के आसपास बनते हैं रन, और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर देखा जाए तो भाई 132 के आसपास रन बनते हैं। बाकी इस वाले वेन्यू के ऊपर जो भी टीम पहले बैटिंग की है ज्यादातर मुकाबले उन्होंने ही जीते हैं। बाकी दोनों टीमों के अंदर जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जिसके अंदर पहला खिलाड़ी आपका पर्व सिमरन सिंह जो कि भाई पंजाब किंग्स की तरफ से है, बाकी दूसरा खिलाड़ी लियान लिविंगस्टन है, तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से है और वो है यहाँ पे डेविड वार्नर, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से यहाँ पे पृथ्वी शॉ भी है, यानी कि ये जो खिलाड़ी है ये काफी अच्छे खिलाड़ी है, तो यहाँ पे इनको आप नोटिस करके जरूर से चलना। बाकी टॉप बॉलर की बात की जाए तो हरप्रीत बरार है, इसके बाद राहुल चहर भी है, अक्षर पटेल भी है और कुलदीप यादव भी है, यानी कि ये खिलाड़ियों को भी आप दिमाग में रख के जरूर से चलना, क्योंकि भाई ये भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। बाकी इनमें कोई खिलाड़ी अगर लेना भी होगा तो वो आपको वीडियो के एंड में मैं आपको टीम बना के बताऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। बाकी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए तो भाई पंजाब किंग्स की तरफ से शुरू में आपको यहाँ पे शिखर धवन खेलते हुए नजर आ सकते हैं, फिर इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह खेलते हुए नजर आ सकते हैं, इसके बाद अथर्व तावड़े खेलते हुए नजर आ सकते हैं, इसके बाद जोनी बेस्टो खेलते हुए नजर आ सकते हैं, 5वें नंबर पे लियान लिविंगस्टन खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप खिलाड़ी देख सकते हो। और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी आपको शुरू में डेविड वार्नर खेलते हुए नजर आ सकते हैं, पृथ्वी शॉ खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तीसरे नंबर पे मिचेल मार्श खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ऋषभ पंत 4 नंबर पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, स्टुबिस 5वें नंबर पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर आप ये इनका बैटिंग लाइनअप भी देख सकते हो। बाकी अब मैं आपको दोनों ही टीमों के वो 6-6 खिलाड़ी बता देता हूँ जिन्होंने भाई पिछले आईपीएल के अंदर काफी धूम मचाई थी और काफी अच्छे रन भी बनाए थे और काफी अच्छी विकेटें भी निकाली थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पंजाब किंग्स के वो 3 बैट्समैन समझते हैं जिन्होंने भाई काफी अच्छे रन बनाए थे पिछले टाटा आईपीएल के अंदर, जिनमें से पहला जो खिलाड़ी है वो हमारा शिखर धवन है, जिन्होंने 11 इनिंग्स के अंदर 373 रन बनाए थे,
और इनका जो हाईएस्ट स्कोर था पिछले आईपीएल के अंदर वो 99 का था, यानी कि इन्होंने जो हाईएस्ट रन बनाए थे वो 99 बनाए थे। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे शिखर धवन भी काफी जबरदस्त पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो भाई परप सिमरन सिंह, जिन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर 358 रन बनाए थे और इनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 103 था। तो यहाँ पे परप सिमरन सिंह के बारे में भी पता चल चुका है कि भाई ये भी काफी जबरदस्त और काफी लंबी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी तीसरा जो टॉप बैट्समैन था पंजाब किंग्स की तरफ से पिछले आईपीएल के अंदर वो हमारा था जितेश शर्मा, जिन्होंने भाई 14 इनिंग्स के अंदर 309 रन बनाए थे और इनका हाईएस्ट जो स्कोर था वो यहाँ पे 49 का था, यानी कि 49 रन इन्होंने हाईएस्ट बनाए हुए हैं। बाकी अभी जो मैंने आपको पंजाब किंग्स की तरफ से तीन ऐसे बैट्समैन बताए हैं जिन्होंने भाई पिछले आईपीएल के अंदर काफी अच्छे रन बनाए थे और टॉप खिलाड़ी थे। बाकी अब मैं आपको पंजाब किंग्स की तरफ से तीन ऐसे बॉलर बताने वाला हूँ जिन्होंने भाई काफी जबरदस्त विकेटें निकाली है। जिनमें से पहला जो खिलाड़ी है वो हमारा अर्शदीप सिंह है, जिन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर 17 विकेटें निकाली है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि भाई अर्शदीप सिंह भी आईपीएल के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और काफी अच्छी विकेटें चटकाते हैं। तो भाई इनको भी आप दिमाग में रख के जोर से चलना, इनका भी पिछला रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है। बाकी दूसरा की जाए तो नेथन एलिस, जिन्होंने मात्र 10 इनिंग के अंदर 13 विकेटें निकाली है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि भाई नेथन एलिस भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी है, ये भी आपको काफी अच्छी विकेटें निकाल के दे सकते हैं और काफी इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे इस बार भी। और वैसे भी तेज गेंदबाज को ये वाला पिच सपोर्ट करेगा। ये जो अभी तेज गेंदबाज मैं आपको बता रहा हूँ जिनका रिकॉर्ड पिछला काफी जबरदस्त है, वो इस बार भी काफी अच्छी विकेटें निकालते हुए आपको नजर आने वाला है। तो ये चीज भी आप दिमाग में रख के जोर से चलना। बाकी तीसरा जो हमारा बॉलर है वो यहाँ पे सेम करण है, जिन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर 10 विकेटें निकाली है और सेम करण ने भी पिछले आईपीएल के अंदर काफी अच्छी विकेटें निकाली है, लेकिन बैटिंग जो है वो पिछले आईपीएल के अंदर इन्होंने ज्यादा कुछ खास नहीं की है, लेकिन फिर भी इस वाले मुकाबले के अंदर इनके पास भी दो एडवांटेज रहेंगे बैटिंग का और बॉलिंग का। तो इसीलिए भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पे सेम करण भी होने वाला है, तो ये चीज भी दिमाग में रख के जोर से चलना। बाकी ऑल ओवर पंजाब किंग्स की तरफ से मैंने आपको 6 ऐसे खिलाड़ी बताए हैं जिनका जो परफॉर्मेंस है वो पिछले टाटा आईपीएल के अंदर काफी जबरदस्त गया था और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये खिलाड़ी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो इनके ऊपर आपकी नजर होना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी अब मैं आपको 6 टॉप खिलाड़ी बताता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जिन्होंने काफी जबरदस्त रन भी बनाए थे और काफी अच्छी विकेटें भी चटकाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तीन बैट्समैन के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो पहले टॉप बैट्समैन है जिन्होंने काफी अच्छे रन बनाए थे वो है यहाँ पे डेविड वार्नर, जिन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर 516 रन बनाए हैं और इनका जो टॉप स्कोर था वो यहाँ पे 86 का था। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो कि भाई डेविड वार्नर भी भाई आईपीएल मैचों के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और वैसे भी भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी है और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट खिलाड़ी भी है। तो इसीलिए आपको अच्छी खासी बैटिंग करते हुए इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये नजर आने वाले हैं। बाकी दूसरा जो टॉप बैट्समैन था दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से वो यहाँ पे अक्षर पटेल था, जिन्होंने 13 इनिंग्स के अंदर 283 रन बनाए थे, जिनमें से इनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 54 का था। लेकिन भाई अक्षर पटेल के पास दो तरीके का एडवांटेज काफी जबरदस्त है, बॉलिंग का और बैटिंग का। पिछले आईपीएल के अंदर बैटिंग भी काफी जबरदस्त की इन्होंने और बॉलिंग से भी काफी जबरदस्त विकेटें निकाली है। तो भाई अक्षर पटेल को आप दिमाग में जरूर से रखना, पंत प्लेयर होने वाला है। पिछले मुकाबले के अंदर का भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और इस बार भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आने वाला है। बाकी तीसरा जो बैट्समैन था वो हमारा फ्लिप शॉल्ट था, जिन्होंने 9 इनिंग्स के अंदर 218 रन बनाए थे और टॉप जो स्कोर था इनका 87 था। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि अब की बार भाई फ्लिप शॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने वाला है। बाकी अभी जो मैंने आपको तीन ऐसे बैट्समैन बताए हैं जिन्होंने भाई पिछले आईपीएल के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। बाकी अब मैं आपको तीन बॉलर बताता हूँ जिन्होंने भाई दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पिछले आईपीएल के अंदर काफी जबरदस्त विकेटें निकाली थी। इनमें से पहला जो खिलाड़ी है वो हमारा मिचेल मार्श है, जिन्होंने 8 इनिंग्स के अंदर 12 विकेटें चटकाई है। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हो कि भाई मिचेल मार्श भी काफी जबरदस्त खिलाड़ी साबित होने वाले हैं और अब की बार भाई तेज गेंदबाजों को ये वाला पिच सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे मिचेल मार्श आपको काफी जबरदस्त बैटिंग करते हुए भी नजर आएंगे और बॉलिंग करते हुए भी नजर आएंगे। बॉलिंग से तो ये आराम से विकेटें निकालने वाले हैं और इनकी बैटिंग भी आ जाएगी, तो भाई बैटिंग भी काफी जबरदस्त करेंगे। तो इसीलिए भाई आप मिचेल मार्श को जरूर से नोटिस करके चलना। बाकी दूसरा जो बॉलर था टॉप वो हमारा अक्षर पटेल था, जिन्होंने 13 इनिंग्स के अंदर 11 विकेटें निकाली थी। तो अक्षर पटेल देखो विकेटें भी काफी जबरदस्त निकाली थी और बैटिंग भी काफी जबरदस्त की थी। इनका बॉलिंग से भी काफी जबरदस्त रिकॉर्ड था और बैटिंग से भी काफी जबरदस्त रिकॉर्ड था। तो इसीलिए भाई अक्षर पटेल के ऊपर आपकी नजर होना काफी ज्यादा जरूरी है अब की बार। बाकी तीसरा जो बॉलर था हमारा वो कुलदीप यादव था, जिन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर 10 विकेटें निकाली थी। और कुलदीप यादव वैसे भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और इनके आईपीएल के अलावा दूसरे मैचों के अंदर भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और पिछले आईपीएल के अंदर भी काफी अच्छी विकेटें निकाली है। तो भाई कुलदीप यादव को भी आप दिमाग में रख के जोर से चलना। बाकी गाइस दोनों टीमों के वो 6-6 खिलाड़ी मैंने आपको बता ही दिया है जिन्होंने भाई काफी टॉप परफॉर्मेंस की है पिछले टाटा आईपीएल के अंदर, और ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी होगा क्योंकि भाई अब की बार भी ये सारे के सारे खिलाड़ी इस वाले मुकाबले के अंदर खेलने वाले हैं। तो इसीलिए ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी थी, ताकि आपको ये तो पता चल ही चुका है कि भाई इन खिलाड़ियों को भी अपने को अपनी टीम के अंदर लेके चलना चाहिए। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी खिलाड़ियों में
से हमको अपनी ग्रैंड लीग टीमों के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई कैसे आप जीत सकते हो ग्रैंड लीग, वो भी केवल एक रुपए में। अब 23 मार्च को जो ये मुकाबला खेले जाने वाला है पंजाब और दिल्ली के बीच में, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा माई इलेवन सर्कल ऐप का, तो वहां से आप अभी जाके माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए और टीम बनाओ और बड़ी बड़ी जो मेगा ग्रैंड लीग की जो लीग है उसे आप एक रुपए में ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि 2 रुपए में आप 2 टीमें बना के चल सकते हो। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करो और डाउनलोड करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करते हो तो आपकी जो एंट्री फीस है वो केवल 1 रुपए होने वाली है, यानी कि 2 कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो वो भी 1 रुपए में, यानी कि 2 रुपए में 2 कॉन्टेस्ट आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये चीज भी आपको ध्यान में जरूर से रखना, डाउनलोड होने के 1 घंटे के पहले पहले ही आपको डिपॉजिट करके ज्वाइन करना है और टीमें बनानी है, और आपको मिलेगा ग्रैंड लीग जीतने का जिनमें से फर्स्ट प्राइज ही मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितना बड़ा प्राइज होगा। और इतना ही नहीं, पहले 5 मैच में टॉप 10 प्लेयर को मिलेगी महिंद्रा थार, और वो भी एवरीडे, यानी कि 10 रैंक तक भी अगर आप आते हो तो भी आपको थार तो मिलने ही वाली है। तो जल्दी करो, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। महिंद्रा थार का जो बेनिफिट है वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन ये सब कुछ आपको कैसे मिलेगा, जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही जाके डाउनलोड करोगे और मेरा जो कूपन कोड आपको नजर आ रहा है ये अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। और एक ऑफर आपके लिए ये भी चल रहा है, 20% आपको एक्स्ट्रा कैश भी मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और डिपॉजिट करते हो तो भी आपके डिपॉजिट करते ही 20% का एक्स्ट्रा कैश आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करोगे तो 1200 मिल जाएंगे और 10000 अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 12000 मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 20% एक्स्ट्रा कैश का भी ऑफर यहाँ पे आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो तो। और अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो माई इलेवन सर्कल ऐप तो भाई वेलकम बोनस भी आपको 1500 का मिलने वाला है। मैंने तो अपनी टीम माई इलेवन सर्कल ऐप के ऊपर बना ली है, आप भी जरूर से बनाना इस वाले मुकाबले की। बाकी अब हम जानते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों में से हमको कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम विकेट कीपर वाले सेक्शन की। ऊपर यहाँ पे आपको ऋषभ पंत देखने को मिल जाएंगे, जॉनी बेस्टो देखने को मिल जाएंगे, जितेश शर्मा देखने को मिल जाएंगे, प्रभ सिमरन सिंह देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद स्टुबिस देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आपको शाही होपी देखने को मिल जाएंगे, फिर नीचे आपको कुसागरा देखने को मिल जाएंगे और अभिषेक पोरल देखने को मिल जाएंगे। ये सारे के सारे खिलाड़ी आपको विकेट कीपर वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, विकेट कीपर वाले सेक्शन में प्रभ सिमरन सिंह को लेके चलेंगे, क्योंकि भाई इनका पिछला रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और ये विकेट कीपिंग भी करेंगे और बैटिंग भी करेंगे, तो इसीलिए भाई ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे, तो इसीलिए हम इनको अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर लेके चलने वाले हैं। इसके बाद ऋषभ पंत को मैं यहाँ पे ड्रॉप आउट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई पिछले आईपीएल का रिकॉर्ड इनका ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये ज्यादातर फ्लॉप ही गए हैं, तो इसीलिए भाई इनको हम छोड़ के चलेंगे। बाकी पंजाब की तरफ से यहाँ पे मैं एक खिलाड़ी और बढ़ाने वाला हूँ और वो है यहाँ पे जॉनी बेस्टो, क्योंकि भाई जॉनी बेस्टो भी इस वाले मुकाबले के अंदर आपको अच्छी खासी बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और वैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है, तो इसीलिए ये 2 खिलाड़ी हमारे यहाँ से होने वाले हैं। बाकी ज्यादा खिलाड़ी मैं यहाँ पे विकेट कीपर वाले सेक्शन में नहीं लेके चल रहा हूँ, जो भी 2 इंपोर्टेंट खिलाड़ी है वो मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी इनको क्या सीबीसी क्रिएट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। बाकी बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो भाई सबसे पहले डेविड वार्नर देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे शिखर धवन देखने को मिल जाएंगे, पृथ्वी शाह देखने को मिल जाएंगे, रैली रूसो देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे अथव तावड़े देखने को मिल जाएंगे, यश दूल देखने को मिल जाएंगे, फिर इसके बाद जैक फ्रेशर देखने को मिल जाएंगे, एच सिंह देखने को मिल जाएंगे, ए शर्मा देखने को मिल जाएंगे, रॉकी देखने को मिल जाएंगे। बाकी कई सारे खिलाड़ी एक्स्ट्रा होंगे और ये लाइनअप में नहीं आने वाले हैं तो हम इनको छोड़ के चल सकते हैं। अभी ये सारे खिलाड़ी आपको बैटिंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। अब इन सारे खिलाड़ियों में से आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कौन से खिलाड़ी को लेके चलना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को ड्रॉप आउट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इस वाले मुकाबले के अंदर दिल्ली की तरफ से हम लेने वाले हैं यहाँ पे डेविड वार्नर को, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी डेविड वार्नर भी होने वाले हैं, पिछला रिकॉर्ड भी काफी जबरदस्त है और डेविड वार्नर भाई जब भी आते हैं रन जरूर बनाते हैं और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये काफी अच्छे रन बनाने वाले हैं, और वैसे भी भाई दिल्ली का जो रिकॉर्ड है वो पंजाब के सामने काफी जबरदस्त भी है, तो इसीलिए भाई डेविड वार्नर चल सकते हैं इस वाले मुकाबले के अंदर, तो आप अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर डेविड वार्नर को लेके चल सकते हो। बाकी दूसरा जो खिलाड़ी हम लेके चलेंगे वो यहाँ पे शिखर धवन को लेके चलने वाले हैं, क्योंकि शिखर धवन ने भी पिछले मुकाबले के अंदर काफी अच्छे रन बनाए हुए हैं, तो दूसरा जो खिलाड़ी रहेगा वो हमारा शिखर धवन रहने वाला है। तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो भाई पृथ्वी शाह को लेने वाला हूँ, क्योंकि भाई पृथ्वी शाह का भी रिकॉर्ड काफी जबरदस्त है और ये भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे, तो इसीलिए भाई हमारे लिए इनका भी ऑप्शन काफी जबरदस्त रहने वाला है। बाकी ज्यादा जो खिलाड़ी है वो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं लेके चल रहा हूँ, जो भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी है और रन बना सकते हैं उनको मैंने अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर लिया है। बाकी क्या इन खिलाड़ियों में से सीबीसी किसी को बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के आगे बता दूंगा। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हमारे लिए इन सभी खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होने वाला है और कौन से खिलाड़ी को हमको ड्रॉप आउट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी ग्रैंड लीग टीम के अंदर लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे मिचेल मार्श को, तेज गेंदबाज को ये वाला पिच सपोर्ट भी करेगा और मिचेल मार्श का रिकॉर्ड वैसे भी काफी
जबरदस्त है। बॉलिंग बैटिंग दोनों ही करने वाला है, इस बार विकेटें भी काफी अच्छी चटकाएंगे और अच्छे रन भी बनाएंगे, तो इसीलिए भाई हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर मिचेल मार्श को लेकर चलेंगे। बाकी अक्षर पटेल काफी जबरदस्त खिलाड़ी होने वाला है और काफी अच्छे रन बना के देने वाला है, ऑलराउंडर काफी बेस्ट है, बॉलिंग बैटिंग इनकी भी काफी जबरदस्त होती है और पिछले आईपीएल के अंदर भी आपने देखा ही होगा कि अक्षर पटेल ने किस तरीके से रन भी बनाए थे और किस तरीके से विकेटें भी चटकाई थी, तो इसीलिए भाई हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जो लेके चलेंगे वो यहाँ पे अक्षर पटेल को भी लेके ही चलेंगे। बाकी जो नीचे खिलाड़ी है वो हमारा सेम करण है, सेम करण भी तेज गेंदबाज काफी जबरदस्त है और इस वाले मुकाबले के अंदर भी ये काफी अच्छी बॉलिंग बैटिंग करने वाले हैं, तो इसीलिए भाई आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर सेम करण को भी लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा चेंज करने वाला हूँ और वो है ये, यहाँ पर मैं अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर पंजाब की तरफ से यहाँ पे सिकंदर रजा को लेने वाला हूँ। सिकंदर रजा ने पिछले आईपीएल के अंदर ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, सिकंदर रजा की फॉर्म काफी जबरदस्त है, तो इसीलिए भाई सिकंदर रजा आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है, तो भाई आप एक यहाँ पे चेंज जरूर से करना, सिकंदर रजा को आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर जरूर से लेके चलना। बाकी नीचे के खिलाड़ी वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं होंगे और इनको अगर लेना भी होगा तो फाइनल जो टीम है वो टेलीग्राम पे भी आने वाली है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। बाकी जो इंपोर्टेंट खिलाड़ी है ऑलराउंडर वाले सेक्शन में वो मैंने आपको बता दिया है। अब जो दो खिलाड़ी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे बॉलिंग वाले सेक्शन में लेके चलने वाले हैं, तो बॉलिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ पे हर्षदीप सिंह देखने को मिल जाते हैं, इसके बाद कुलदीप यादव देखने को मिल जाते हैं, खगीशो रबाड़ा देखने को मिल जाते हैं, नोटजी देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद मुकेश कुमार देखने को मिल जाएंगे, राहुल चहर देखने को मिल जाएंगे, नितिन एलिस देखने को मिल जाएंगे, बरार देखने को मिल जाएंगे, ईशांत शर्मा देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये जो खिलाड़ी है ये सारे के सारे बॉलिंग वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब इन सारे खिलाड़ियों में से जो इंपोर्टेंट जो खिलाड़ी होगा वो आपके लिए पहला खिलाड़ी हर्षदीप सिंह होने वाला है। दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो भाई कुलदीप यादव भी इस वाले मुकाबले के अंदर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट खिलाड़ी है, तो इनको भी आप लेके चल सकते हो। बाकी नीचे में दो खिलाड़ी आपको एक्स्ट्रा ऐसे बताने वाला हूँ जो कि भाई पंत प्लेयर हो सकते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा लोगों की नजर तो नहीं होगी लेकिन भाई इंपोर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं ये दो भी, तो इसीलिए ये जो दो खिलाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों के दोनों खिलाड़ी आपके लिए एक्स्ट्रा खिलाड़ी होने वाले हैं, तो इसीलिए भाई ये दो खिलाड़ियों को भी आप दिमाग में रख के जोर से चलना। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन में फिलहाल मैंने आपको चार खिलाड़ी बताए हैं, ज्यादा टीमें बना रहे हो तो भाई इन चारों ही खिलाड़ियों में से भी खिलाड़ी जरूर से लेके चलना। बाकी फिलहाल जो हम दो खिलाड़ी लेके चलने वाले हैं जिनमें से पहला खिलाड़ी हर्षदीप सिंह होगा, दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो भाई अगर हम लो परसेंटेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मैं ईशांत शर्मा को लेके चलूंगा। बाकी फिलहाल जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम जो है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसके अंदर विकेट कीपर वाले सेक्शन में दो खिलाड़ी को लिया है, बैटिंग वाले सेक्शन की बात की जाए तो तीन खिलाड़ियों को लिया है, इसके बाद यहाँ पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन में चार खिलाड़ियों को लिया है, बॉलिंग वाले सेक्शन में दो खिलाड़ियों को लिया है। बाकी इस वाले कॉम्बिनेशन में हमारे जो सीवीसी रहेंगे जिनमें से कैप्टन हमारा रहेगा अक्षर पटेल और वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं शिखर धवन को करने वाला हूँ। ये दो खिलाड़ी भी सीवीसी के लिए बेस्ट होने वाले हैं। अक्षर पटेल का सिलेक्शन परसेंटेज सीवीसी का काफी कम है, काफी सारे लोग सीवीसी बना के नहीं चलेंगे, लेकिन आपको यूनिक और डिफरेंट खिलाड़ी लेके चलना है सीवीसी के लिए तो अक्षर पटेल को भी आप सीवीसी बना के चल सकते हो। बाकी हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। बाकी कोई भी चेंजिंग होगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी ये वाली वीडियो और ये वाली इंफॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी माई इलेवन सर्कल ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो भाई अभी के अभी जाके डाउनलोड कर लेना, फायदा जरूर से उठाना, काफी बड़े बड़े ऑफर है जो कि ऐसे ऑफर कोई भी नहीं देता है, जिसमें से 20% आपको एक्स्ट्रा कैश बोनस भी मिलता है, टॉप 10 रैंक वाले को थार भी मिलती है एक्स्ट्रा, और काफी बड़े बड़े प्राइस भी यहाँ पे रखे गए हैं, तो इसीलिए भाई माई इलेवन सर्कल ऐप को जरूर से डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इस वाली वीडियो को हम यही पेंट करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।